डॉक्टर हरशिंदर कौर की पुस्तक अनमोल कुदरती सुगातां दा अगला लेख है पालक। पालक बारे मशहूर है कि पालनहार है। कहा जाता है कि 5वीं सदी में ईरान दे विच इह पहली बार नजरी पई ते 7वीं सदी च नेपाल दे राजे ने सुगात वजो इहनूं चीन भेजिया। 11वीं सदी में इह स्पेन च पहुंची ते उत्थों यूरोप वल उडारी मार गई। यूरोप में उदों इहनूं पालक नहीं बल्कि स्पेन की सब्जी के नाम नाल जाणिया जांदा सी। 16वीं सदी च इटली दे फलोरेंस शहर की राणी जदों फ्रांस के राजे नाल व्याही गई तो वह अपने नाल दो रसोईए लैके गई जिन्हां नूं उहदी पसंद की पालक बनाउणी आउंदी सी। उदों तो ही फ्रांस में जिस सब्जी या मीट में पालक पाई जाए उहनूं आ ला फलोरेंटीन के नाम नाल बुलाया जांदा है। अज दे दिन भारत नूं पिछे छड़ अमरीका ते नीदरलैंड पालक उगाउण च पहले नंबर ते आ पहुंचे हन क्योंकि वह इहदे फायदियां नूं वेखदे होए इहदी धड़ा धड़ वरतों करन लग पए हन। पालक विचले तत्तां बारे जाण के झट समझ आ सकदी है कि मलूक जे हरे पत्ते किन्ने लाहेवंद हन। 180 ग्राम पालक विच 41 कैलोरियां हन। लोड़ींदे तत् ते डाइटरी रेफरेंस इंडेक्स विटामिन के 987.2%, विटामिन ए 104.8%, मैगनीज 84.84%, फोलेट 65.7%, मैगनीशियम 39.1%, लोह कण 35.7%, कॉपर 34.4%, विटामिन B2 32.3%, विटामिन B6 25.8%, विटामिन ई 24.9%, कैल्शियम 24.4%, पोटाशियम 23.9%, विटामिन सी 23.5%, फाइबर 17.2%, फास्फोरस 14.4%, विटामिन B1 14.1%, जिंक 12.4%, प्रोटीन 10.1%, कोलीन 8.3%, ओमेगा 3 फैट 7%, विटामिन B3 5.5%, पेंटोथिनिक एसिड 5.2%, सिलीनियम 4.9%। आओ हुण सब तो पहला पालक बारे हुई खोजा बारे जाणिए। गद्दू दे कैंसर दे मरीजां नूं चुनिंदा सब्जियां खवाईयां गईयां जिन्हां च वधिया कुदरती तत् ज़्यादा मात्रा च सन जिवें पालक ब्रोकली फुलगोभी गोंगलू बंद गोभी आदि। इन्हां विचों सिर्फ पालक नहीं तेजी नाल वधदे गद्दू दे कैंसर दे मरीज उत्ते वधिया असर विखाया। पालक विचले एंटी कैंसर कैरोटीनाइड इपोक्सी जेंथोफिल्स सदका यह संभव हो सके है जो पालक विच तूस तूस के भरे हुए हैं, खासकर नियोजेंथीन ते वोइला जेंथी। भावें इन्हां नूं इंसानी शरीर पूरी तरह हजम नहीं कर सकता पर जिन्ने भी हजम हुंदे हन उह कैंसर भावें ठीक ना कर सकन पर कैंसर नूं तेजी नाल फैलण तों रोकण च वधिया असर दिखाउंदे हन। पालक विचले ग्लाइको ग्लिसरो लिपिड ढिड अंदर एक परत बना दिंदे हन जो ढिड नूं कई चीज़ां दे माड़े असरां तों बचाउंदे हन। ढिड दे कैंसर विच एडीनोकारसीनोमा कैंसर दे सैलां दे वधण दी स्पीड घटाउण च पालक सहाई साबत होई है। जानवरों उत्ते कीती गई खोज में चमड़ी दे कैंसर पैपीलोमा दे सैलां नूं छेती वधण तों रोकण च भी पालक फायदेमंद सी। पालक विचों इह फायदा लैण लई इहनूं खाण तों पहलां 1 मिंट लई उबालना जरूरी हुंदा है तां जो इस विचले तत् खराब भी ना होण पर इस अंदर लई ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा जो नुकसान पहुँचा सकती है काफ़ी घट हो जाए। इंग्लैंड 1986 एक औरत नूं जिन्हों छाती का फैलिया कैंसर सी लगातार पालक दिंदे रहन नाल वेख्या गया कि कैंसर के सैल बहुत तेजी नाल फैल नहीं सके तो लंबी उम्र भोग के मरी। पालक विच लगभग दर्जन तो उपर वक्खो वक्खरे फाइटोन्यूट्रिएंट हन जिहड़े सोजिश घटाउंदे हन जिन्हां विचों एक फ्लेवोनाइड जिक्र योग है, मिथलीन डाइओक्सी फ्लेवोनोल ग्लूकोरोनाइज्ड। पालक विचले भरपूर नियोजेंथीन ते वोइला जेंथीन ही डॉक्टरां नूं पालक बारे खोज करन लई मजबूर करदे हन क्योंकि इन्हां दी वरतों नाल जोड़ां दी सोजिश भी घटी हुई वेखी गई है। पालक विचले विटामिन सी ई ए मैगनीज जिंक ते सिलीनियम तगड़े एंटीऑक्साइड होण सदका
ब्लड प्रेशर काबू च रखन, नाड़ियां च थिंदा जमण ते पासा मर जाण तों बचाओ करदे हन। ब्लड प्रेशर घटाउण सिर्फ यही नहीं बल्कि पालक विचले पेप्टाइड भी वधिया रोल अदा करदे हन जो एनजीओ टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम घटा देंदे हन। पालक विचले कैरोटीनाइड, ल्यूटिन ते जीजेंथीन अखां विचले रेटिना ते मैकूला नूं सेहतमंद रखण लई बहुत वधिया साबित हो चुके हन। इसे लई मैकूलर डीजेनरेशन दे मरीज़ यानी उम्र नालों घट रही नज़र वालियां नूं पालक रेगुलर तौर ते खाणी चाहीदी है। भावें बहुतियां खोजां इस पासे नहीं होईयां पर जिन्नियां भी होईयां हन उह फायदा ही दर्शा रहियां हन। पालक विचले विटामिन के दे भंडार हड्डियां नूं तगड़ा करदे हन। किसी होर सब्जी च कुदरत ने इन्ना विटामिन के नहीं भरिया जिन्ना पालक च है। अंतड़ियां च पहुँच के विटामिन K1, K2 च तब्दील हो जाता है जो ऑस्टी ओकैल्सिन नूं चुस्त कर देता है कि हड्डियां अंदर कैल्शियम जमा करे। ये नालों नाल पालक विचला कैल्शियम ते मैगनीशियम भी झटपट हड्डी च जमा होकर उन्हें तगड़ी करन दा काम शुरू कर देता है। इंज कुदरती तरीके शरीरक कमजोरी कुछ दिनों च कफूर हो जाती है। इन्ने फायदे होने के बावजूद बच्चों नूं इनू ना खाते वेख के विकसित देशों वालिया ने एक गुर वरत्या। पोपई नाँ का एक कार्टून बनाया जो मार पैण तो बाद मरन किनारे पहुंचे हुआ भी डब्बा बंद पालक खाते सार तगड़ा होकर दुश्मनों नूं मार सुटदा है। यदा नतीजा यह होया कि बच्चे धड़ा धड़ पालक खाण लग पे तो उन्होंने शरीर सेहतमंद होने शुरू हो गए। जिहड़ियां मावां हमेशा बच्चे दे सब्जी ना खाण कारण चिंतित रहिंदियां हन उन्हां नूं भी अजिही जुगत वरत लैणी चाहीदी है क्योंकि हर बच्चा जोरावर बनना चाहुंदा है। किवें खाधी जाए? कच्ची पालक भी सलाद च पा के जां ब्रैड विच पनीर नाल पा के बच्चे नूं खवाई जा सकदी है। पालक दे पत्ते हवाबंद प्लास्टिक बैग च रख के फ्रिज अंदर 5 दिन तक ठीक ठाक रखे जा सकते हैं पर पका के फ्रिज अंदर रखी पालक झटपट खराब हो जाती है। पालक नूं धोण वेले खास ख्याल रखने की लोड़ है। चंगी तरह वक्खो वक्खरा पत्ता खुले पानी हेठ धो लो पर पानी च ज़्यादा देर भिओं के नहीं रखना चाहिए जिस नाल कुछ तत् बाहर निकल जाते हैं। पालक के पत्ते उबाल के खाने ठीक रहिंदे हन क्योंकि इंज करन नाल पालक विचला एसिड पानी विच निकल जाता है तो पालक मिठी जापण लग पैंदी है। बचिया उबालिया पानी पीना नहीं चाहिए क्योंकि उस विच ऑक्जैलिक एसिड की मात्रा वध हुंदी है। 1 मिनट तक पालक के पत्तियां नूं उबाल के फिर किसी भी सब्जी दाल जां मीट च पा के खाधा जा सकता है। कुछ ध्यान योग गल्लां। पहला, पालक विच कीटनाशक दे अंश चले जाण तां इस तों पूरा फायदा नहीं लिया जा सकता, उल्टा नुकसान जरूर पहुँचता है। इसे लिए पूरा फायदा लैण लई इहनूं ऑरगैनिक तरीके नाल उगाउणा शुरू किया गया है। दूसरा, पालक विच ई कोलाई कीटाणु जे चले जाण तां शरीर अंदर बीमारी फैला देंदे हन। ये सिर्फ धोण नाल नहीं निकलते पर 1 मिनट उबालन नाल मर जाते हैं। तीसरा, पालक विचले ओग्जालेट एलर्जी कर सकते हैं तो शरीर में कैल्शियम पूरी तरह हजम नहीं कर देंगे, ओग्जालेट भी उबालन नाल घट जाते हैं। चौथा, पालक विच पुरीन है जो यूरिक एसिड वधाउंदी है। इसे लई जोड़ों की दर्द ते गुर्दे की पथरी वाले मरीज पालक ना ही वरतन जां घट वरतन तां ठीक रहेगा। बाकी जणिआं नूं इहो सलाह है कि हफ्ते च 3 वार इस कुदरती पालनहार पालक नूं जरूर खा लैण तां जो कुदरती तरीके शरीर नूं तंदुरुस्त रख सकण ते लंबी उम्र भोग सकण। अगला लेख है केला। 6 महीने की उम्र तो लैके 100 साल की उम्र तक सौख्या हजम हो जाण वाली इह शै कुदरती सोमिआं नाल भरी पई है। कमाल तां इह है कि ना केला विचारा कच्चा छड्डिआ जावे ते ना ही पक्किआ होइआ। होर तो होर ये पत्ते भी वरतों जा रहे हैं तो यदा बूटा भी सजावट वजों वरत्या जा रहा है। इस विच विटामिन B6, विटामिन सी, मैगनीज, फाइबर ते पोटाशियम भरे पए हैं। केले विचली ताकत बारे अंदाजा लाना होवे तो मैं सौखे तरीके दस दिया कि 6 इंच लंबाई वाले केले 18.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 6 तो पौने 7 इंच वाले 23 ग्राम, 7 तो पौने 8 इंच वाले 27 ग्राम, 8 तो पौने 9 इंच वाले 31 ग्राम, ते जिहड़ा केला 9 इंच जां इस तों लंबा होवे उस 35 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हुंदा है। इन्हां कार्बोहाइड्रेट वेखदे हुए जाहिर है कि शक्कर रोगियों अपनी बीमारी सदका छोटा केला जां अद्धा केला ही खाना चाहिए है।
पर दूजे पासे कमजोर बंदे वधदी उम्र वाले बच्चियां ते बजुर्गां वास्ते इस निक्की जी चीज राही ताकत लैण लई बहुत कुछ भरिया पिया है। तेज बुखार जां बीमारी च जदों भुख मर चुकी होवे तां कुछ खाधा ना जा रहा होवे उस वेले केला खाण नाल झटपट पूरी ताकत भी मिल जाती है ते सौखियां हजम हो जाण सदका इस नाल ढिड भी भरिया महसूस होण लग पैंदा है। सोके दे शिकार बच्चियां लई भी इह लाहेवंद है। जिस बच्चे नूं टट्टियां लगियां होण उन्हां लई तां केला इक कुदरती नियामत है। इस विचला फाइबर पैक्टिन पानी वर्गियां टट्टियां भी रोकदा है ते कब्ज़ भी नहीं होण दिंदा है ना कमाल। इक्को चीज दो दो बीमारियां ठीक करे। इस विचला फाइबर पैक्टिन है ही कमाल दा, कब्ज़ खोल दिंदा पर टट्टियां नहीं लगन दिंदा। एक साधारण साइज का केला एक नॉर्मल वड्डे बंदे लई रोज दे लोड़ींदे फाइबर का 16% हिस्सा पूरा कर दिंदा। इस विचला पोटाशियम पानी की कमी च भी फायदा दिंदा। केला केले विचला ढेर सारा पोटाशियम शरीर उत्ते कुछ होर ही भी कमाल का असर दिखाउंदा है। एक आम केले च 500 मिलीग्राम पोटाशियम होंदा है, 1 मिलीग्राम सोडियम। एक कुदरती पोटाशियम ब्लड प्रेशर नूं काबू च रखदा है, जिस सदका दिल दीआं बीमारियां भी आपे काबू च हो गईआं ते पासा खड़ जाण दा खतरा भी घट गया। इसे पोटाशियम सदका केले उत्ते कीती खोज ने इह भी सिद्ध कर दिता है कि जे 3 केले रोज़ खाधे जाण तां स्ट्रोक पासा खड़न का खतरा 21% घट हो जाता है, बशर्ते कि बंदा नालों नाल वाधू लून ना खाता रहे तो उसका ब्लड प्रेशर काबू च रहा हो। आम तौर उत्ते वाधू लून खाने नाल पेशाब राही कैल्शियम शरीर चो निकलता रहता है, पर केले विचला वाधू पोटैशियम इस विच रोक ला के कैल्शियम शरीर विचों बाहर निकल जाने तो रोकता है। इस बारे यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मैडिकल सेंटर ते यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास मैडिकल सेंटर च कीती खोज दसदी है कि रेगुलर तौर ते केला खांदे रहन नाल हड्डियां भी घट खुरदियां हन। सन 2004 च होई खोज जो आर्काइव्स ऑफ ओफथैलमोलॉजी वर्गे चोटी दे जनरल विच छपी विच भी यह नतीजा कढ़िया गया कि वधिया नज़र वास्ते केला बेशकीमती है। जिसने उम्र नाल हो रहे नज़र दे घाटे ते अन्नेपन तो बचना होवे उन्हूं रोज़ 3 जां 4 केले खाने चाहिए हैं तां जो मैकुलर डीजनरेशन तो बचाव हो सके। जिहड़े 1 केला रोज़ खाते होण उन्हां नालों 3 केले रोज़ खाण वालियां च इहदा 36% खतरा घट जांदा है। गुरदिआं दी राखी च केले दा की रोल है? इस बारे भी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर छप चुकिया है कि रोज़ 2 वेले सब्जियां ते फल खासकर केले खाण नाल गुरदे नूं ठीक ठाक रख्या जा सकता है। इस नतीजे तक पहुंचने लई 40 तो 76 सालां दीआं 61,000 औरतां उत्ते खोज कीती गई ते इह दिसिआ कि जिहड़ियां औरतां 1 महीने च 75 तो वध वार सब्जी जां फल खा रहीआं सन उन्हां च गुरदे दे कैंसर दा खतरा बाकीआं नालों 40% घट हो गया ते जिहड़ियां औरतां इहनां विच्चों बिल्कुल भी केले नहीं सी खा रहीआं उन्हां विच गुरदे दे नुक्स केला खा रहीआं औरतां नालों दुगणे तो वध निकले। सो केला इस खोज राही गुरदे लई पक्की तौर उत्ते लाहेवंद साबित हो गया, इंटरनल जर्नल ऑफ कैंसर च छपी रिपोर्ट अनुसार। केले विचला ट्रिप्टोफैन प्रोटीन जो शरीर अंदर जाके सेरोटोनिन विच तब्दील हो जाता है ढेंदी कला च जा रहे बंदियां लई बेमिसाल दवाई वांग काम करता है। यह भी खोज राही साबित हो चुका है कि तनाव दौरान केले खाण नाल शरीर थोड़ा ढिला पै जांदा है, दिमाग शांत हो जांदा है, मूड ठीक हो जांदा है, खुशी महसूस होण लग पैंदी है ते नींदर भी वधिया आउंदी है। केले विचले लोह कण शरीर विचली लहू की कमी भी थोड़ी बहुत ठीक कर देंदे हन। केला एक वधिया कुदरती एंटीसिड भी है ते ढिड विचली जलन भी ठीक कर देंदा है। जिन्हां दा सवेर वेले दिल कच्चा हो रहा होवे जां गर्भवती औरत नूं सवेर वेले उल्टी आउंदी महसूस हो रही होवे तां केला खाण नाल ठीक जिहा जापण लग पैंदा है। केला इन्ना नरम है कि ढिड विचले अल्सर पैप्टिक अल्सर दे मरीजां दे ढिड अंदरला एसिड घटा के ढिड अंदर नरम परत वांग फैल जांदा है। केला ढिड अंदरली परत दे सैलां नूं प्रफुल्लित करके मोटी बना के एसिड दा असर घटा के अल्सर नूं आराम भी पहुँचा दिंदा है। केले विचले प्रोटीएज इनहिबिटर ढिड विचले कीटाणु जो अल्सर करते हैं भी खत्म कर देंगे। इसे ढिड के अस अल्सर के मरीजों केले दे ते दुध का मिश्रण कमाल का असर विखा। साडा शरीर
ਟ੍ਰਿਪਟੋਫੈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੇਲਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਲਹੂ 'ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਠੀਕ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਲਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਕੋਟੀਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਕੇਲੇ ਵਿਚਲੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਜ਼ਿੰਕ, ਕੈਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ B6 ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦਾ ਫਤੂਰ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਵਿਚਲੇ ਤੱਤ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਕੇਲਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਵਿਚਲੇ ਤੱਤ ਜਦੋਂ ਮੂਡ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਲੇ ਵਿਚਲਾ ਪੈਕਟਿਨ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਉਪਰੰਤ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਕਟਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਲੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਈਲੀਅਮ, ਗੁਆਰਗਮ ਤੇ ਬੀਟਾ ਗਲੂਕੈਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਾਈਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ HDL ਨੂੰ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਮਿਡਲ ਸਿਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੇਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਲੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਝ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਕੇਲੇ ਵਿਚਲੇ ਤੱਤ ਖਾਸ ਕਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਚੁਸਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਲਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ 3 ਜਾਂ 4 ਕੇਲੇ ਖੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਇਲਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਸਦਕਾ ਨਰਮ ਟੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਚ ਕੇਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਵਿਚਲੇ ਤੱਤ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀ ਪੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੌਖਿਆਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਡ ਭੰਨਣੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਕੇਲਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਲੇ 'ਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਸ ਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਲਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਕੇਲਾ ਚਮੜੀ 'ਚ ਕੋਲਾਜਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਧਾ ਕੇ ਲਚਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਚਮੜੀ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੇਲੇ ਵਿਚਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ B6 ਪ੍ਰੀਡੋਕਸਿਨ ਵੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਮੱਛਰ ਲੜੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖੁਰਕ ਤੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਰਗੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਕ ਵੀ ਝੱਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਭੂੰਡ ਲੜੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਦੇ ਜਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਕੇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤੇਜਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ B ਜੋ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀਲੇਟਿੰਗ ਮਿਨਰਲ, ਬ੍ਰੋਮੋਲੀਨ, ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਰਸ ਜੋ ਮਰਦ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਰਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੂਸੋ ਤੂਸ ਕੇਲੇ 'ਚ ਭਰ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਫਰਟੈਲਿਟੀ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕੇਲੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਦਵਾਈ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚਲੇ ਮਾੜੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਨਰਮ ਪਰਤ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਹੋਵੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਲੇ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਕੇਲੇ ਵਿਚਲਾ ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਘੱਟ ਥਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਬਿਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਰੋਜ਼ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਲੇ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕਟੋ ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡ ਪਰੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਾਂਗ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨੋਰਮਲ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਣਪੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਰਕਟੋ ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੇ ਰਸ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਲੇ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਾਰਟ ਚੇਨ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਵੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਚੂਸ ਕੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੈਰੋਟੀਨਾਇਡ ਵਰਗੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਸਦਕਾ ਕੇਲਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਗੜੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਗਾਤ ਲੱਭੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਲੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਲਾ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਸੁਹਿਰਦ ਕੁਰਸੀਧਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਨਿਆਮਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਚਿਪਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।